हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं, कुछ यूट्यूब पर तो कुछ व्हाट्सएप पर। चार पांच बच्चों का हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट आया है कि मैम KIIT के बारे में बताइए। तो आज मैं KIIT की डिटेल्स लेकर आई हूँ। अगले दो मिनट में KIIT की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डेट है। इसकी कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है, मैं दोनों आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं बताऊंगी कि किन किन बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए, किन के लिए ये उपयुक्त जगह नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ इसके कैंपस पर। देखिए, यही है KIIT का कंप्लीट कैंपस। और अब हम लोग देख रहे हैं कि कब तक इसकी डेट है फॉर्म फिलअप होने की। तो यहां देखिएगा, लिखा है KIIT फॉर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 10th अप्रैल। यानी इस फॉर्म के फिलअप की वैसे तो डेट 31 मार्च ही थी, लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और फिलहाल इसकी डेट 10 अप्रैल तक हो गई है। 10 अप्रैल तक हम इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूं कि कितने रुपए का फॉर्म है ये। तो यही तो इसकी विशेषता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब एडमिशन का टाइम आएगा तो हम अपने चॉइसेस देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है, किस किस कॉलेज का चॉइस है हमारे पास, उनमें से बेस्ट हम चूज कर लेंगे। यानी इस फॉर्म को मैक्सिमम यानी सभी बच्चे फिलहाल भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी फी नहीं लगनी है। देखिए, यहां मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फी की बात। देयर इज नो एप्लीकेशन फी टू बी सबमिटेड फॉर KIIT एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि फॉर्म का कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं इसके इसकी इसके डिटेल की बात कर लेती हूं कि क्या है। सबसे पहले ये कोर्स कौन कौन सा कराती है। तो हम लोग तो इंटरेस्टेड हैं बीटेक में, कोर्स तो बहुत सारे हैं, हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। अब इसकी डेट की बात करती हूं मैं कि कौन कौन सा डेट है इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये फॉर्म आ तो रहा है नवंबर से ही, लेकिन लास्ट डेट इसकी 10th अप्रैल है और ऑनलाइन एग्जाम का स्लॉट बुकिंग आज से स्टार्ट हो गया है 1st अप्रैल से ही। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 5 अप्रैल को। इसके एग्जाम की तारीख कौन सी है फॉर्म भरने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्या 15 से 24 के बीच में आपके चॉइस का डेट मिलेगा एग्जाम का, उसी को बोलते हैं स्लॉट बुकिंग। 15 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच आप अपने चॉइस का जो डेट खाली होगा, जब सबसे पहले अगर आप बुकिंग करते हैं तो वो डेट आपको मिलेगी। और रिजल्ट डिक्लेरेशन भी इसका 30 अप्रैल को हो जाएगा। अब मैं थोड़ा और डिटेल में बात कर रही हूं कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्या चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें जैसे जेई मेन करेक्शन के लिए डेट निकालती है, इसमें नो करेक्शन, बाद में आप करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए अभी ही ध्यान से करेक्शन करना होगा। और करेक्शन करने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले स्कैंड इमेज सिग्नेचर का और 10th के मार्कशीट का और आपके फोटो का, तीन चीज का इमेज फोन से भी आप, फोन में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं आप फोन से, या साइबर कैफे में जाकर आप स्कैन करवा सकते हैं। उसके बाद तुरंत जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डालकर। एप्लीकेशन फी तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। अब मैं बात करने जा रही हूं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? प्लस टू एग्जाम 17, 18 या 19, यानी 3 साल का मौका देती है मेंस की तरह। मार्क्स कितने चाहिए? PCM में कम से कम 60। इसको टोटल बोर्ड के परसेंट से मतलब नहीं है, यानी वही बच्चे फॉर्म भरेंगे
जिनका पीसीएम में 60 है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। मुश्किल से एक मिनट और है ये वीडियो। अब एज लिमिट क्या है, 98 के बाद वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूं एग्जाम कैसा होगा इसका, उसके लिए सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन कौन किस टाइप के होंगे, एमसीक्यू होंगे, इंग्लिश में होंगे, मेंस की तरह सही होने पे +4 मिलेंगे, गलत होने पे -1 मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, यानी पैटर्न तो सेम टू सेम जेई मेंस के जैसा होगा। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही होंगे। मेंस में 30-30 पूछे जाते हैं, इसमें 40-40 और 40 पूछे जाएंगे। इसका बेस्ट पार्ट इसका सिलेबस है। अभी अभी आपने 12th का बोर्ड दिया है और इस मेंस तो दोनों के सिलेबस से पूछता है, KIIT सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस से पूछता है। इसका बेहतरीन पार्ट यही है। VIT वेल्लोर भी 12th से ही पूछता था। VIT की एक खास बात थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी पहले तक का, मैं बताई इस बार का तो मैं चेक नहीं की, अब उसकी डेट भी नहीं बची हुई है। और इसके बाद तो फिर एडमिट कार्ड कब आएगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। देख लीजिए यहाँ पे इतनी प्लेसमेंट कंपनीज हैं, यहाँ से लेती हैं। कौन कौन है, अमेजोन है, DBS है, डेल है, डायरेक्ट्रिक्स है, सैप है, हुंडई है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एडोब है जो हम लोग PDF वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारी कंपनी जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फी ही लेती है इतना ज्यादा कि कंपनीज को हर हाल में बुलाएगी, 100% ये प्लेसमेंट कराएगी। प्लेसमेंट का इसका हाईलाइट मैं बताऊं, 2018 यानी जो कमिंग ईयर हुआ, जो लास्ट ईयर बच्चे दिए उनका प्लेसमेंट का क्या सीन है, 2018 का मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि एक दिन में एक कंपनी आई और 1200 बच्चों को उठा के ले गई। अभी तक 1900 प्लस बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और हाईएस्ट पैकेज 39 लाख गया है। अब तो मैक्सिमम बच्चे गेट के थ्रू जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी खासी फी पे करेंगे तो प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। 39 लाख इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। सिमिलरली आप 16 का देख सकते हैं, 15 का देख सकते हैं, 14 का देख सकते हैं। मैं गलती से 17 छोड़ दी, छूट गया। और अब मैं लास्ट में इसके नेगेटिव पार्ट पर आती हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है इसका फी स्ट्रक्चर जो कि बहुत हेवी है। BTech कोर्स के लिए पर सेमेस्टर फी 2.25 लाख है, यानी अगर 8 सेमेस्टर का BTech है 4 साल का, अगर आप 8 से कैलकुलेट करते हैं तो मुझे तो आप खुद ही कर लीजिए। अब मैं इतना बड़ा अमाउंट है कि मैं नहीं बोलना चाहती। तो वैसे बच्चे ही इस फॉर्म को भरें जो ये फी अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, बस वो अपना प्लेस, अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए KIIT बेस्ट प्लेस है। लेकिन हमारे वैसे बच्चे जो 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 कि फार्मर बैकग्राउंड से हैं, कम पैसे हैं, वैसे बच्चे मेंस पर ही फोकस करें या बिहार इंजीनियरिंग चेक कर लीजिए, क्या बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा का डेट बचा हुआ है तो उसको जरूर भरिए। चलिए कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट आपको किस कॉलेज की डिटेल चाहिए, क्या बिहार इंजीनियरिंग की डिटेल चाहिए, क्या इकफाई के बारे में जानना चाहते हैं, क्या UPS पेट्रोलियम के बारे में जानना चाहते हैं या इंजीनियरिंग के अलावा कौन से फील्ड का जानना चाहते हैं। कमेंट करिएगा, आपका कमेंट मिलते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।